नमस्कार, आप देख रहे हैं कुक विद रेणुका। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ गर्मियों की सबसे टेस्टी सब्जी का वीडियो, वो है कटहल की सब्जी। कटहल की सब्जी जितनी अच्छी दिख रही है, खाने में भी उतनी टेस्टी है, बनाने में बेहद आसान है। बिल्कुल कम समय में ये सब्जी बनके तैयार हो जाती है और टेस्ट तो इतना लाजवाब, बस पूछिए नहीं। और जो भी इस सब्जी को खाएगा वो जरूर पूछेगा कि आपने ये सब्जी कैसे बनाई। तो चलिए बनाते हैं कटहल की टेस्टी सब्जी। मैंने सबसे पहले कढ़ाई में कटहल ले लिया है और कटहल हमारे यहाँ मार्केट में से कटा हुआ मिलता है, तो मैं आपके साथ इसकी कटिंग का वीडियो नहीं शेयर कर पा रही हूँ। तो मैंने कढ़ाई में कटहल ले लिया, आधा किलो करीब कटहल है, उसमें डाल दिया है आधी ग्लास पानी और इसे बॉईल करने के लिए रख दिया है। कटहल को बॉईल करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसमें से चिपचिपा और दूध वाला पदार्थ जो है वो निकलता है, जिसे इसे बॉईल करने से वो खत्म हो जाता है और कटहल जो है सॉफ्ट भी हो जाता है इसे बॉईल करने से। इसे हम चेक कर लेते हैं कि ये पका है या नहीं पका। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, थोड़ी सी देर, 1 से 2 मिनट भी नहीं लगा और पकने तैयार हो गया है। और कटहल को बॉईल करने में सब्जी बनाना आसान होता है और जल्दी से ये पक जाता है और सब्जी भी बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। अब इसे नीचे उतारते हैं और हम एक स्ट्रेनर में डालकर इसे इस तरीके से फैला देंगे, थोड़ी इसमें हवा लगने देंगे जिससे इसका पानी बिल्कुल भी सूख जाए। चलिए आगे की प्रोसेस करते हैं जब तक इसका पानी सूखता है। तो और इसमें डाल देंगे हम, पैन में डाल देंगे 2 चम्मच तेल। ये 2 चम्मच मैंने इसमें तेल डाल दिया। इसे अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं और जब ये गर्म हो जाएगा तब आगे की प्रोसेस हम करते हैं। तो इसमें हम डाल देंगे 2 पिंच हींग। इसके बाद इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच राई, 1/2 चम्मच डाल देंगे इसमें जीरा और फिर बाकी के जो गरम मसाले हैं वो हमें डालने हैं। तेज पत्ता है, दालचीनी, इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देंगे और जो गरम मसाले हैं वो भी हम इसमें डाल देंगे। और इसमें तेज पत्ता डाल देंगे, दालचीनी का एक टुकड़ा डाल देंगे, 3 से 4 लौंग और 2 हरी इलायची डाल देना है, थोड़ी सी काली मिर्च डालना 2-4 दाने और जो इलायची है उसे थोड़ी सी तोड़ देना है जिससे कि उसका जो बढ़िया सा टेस्ट और खुशबू है मसाले में आ जाए। और हल्का से इस तरीके से लो फ्लेम पे इन्हें इस तरीके से फ्राई करना है जिससे कि तेल में इनका जो जितना भी फ्लेवर है गर्म मसाले का इसमें आ जाए। अब हम फ्लेम को ऑन करते हैं और फिर से इन्हें इस तरीके से चला देते हैं, थोड़ा सा और चटकने देंगे इसमें। फिर इसमें हम डाल देंगे 8 से 10 कलियां लहसुन की ग्रेट करके। हमें पेस्ट नहीं बनाना है लहसुन का क्योंकि जब हम लहसुन का पेस्ट बनाते हैं तो उसका स्वाद बिल्कुल खत्म हो जाता है लहसुन का और उसकी खुशबू भी बिल्कुल चली जाती है। इसलिए हमें करना क्या है कि इसे केवल ग्रेट करना है। ग्रेट करने से लहसुन का स्वाद भी बहुत अच्छा सब्जी में आता है और उसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी रहती है। और हम इसमें यहाँ डार्क ब्राउन नहीं करेंगे हम इसको केवल हमको हल्का सा भूनना है। तब तक भूनना है जब तक इसमें से हल्की सी खुशबू ना आने लगे। जब इसमें खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें आगे की प्रोसेस करेंगे। जब इसमें हम प्याज तभी डाल सकते हैं जब इसमें खुशबू आने लगे। और क्या होगा कि अगर हम इसे डार्क ब्राउन कर देंगे ना, जब हम प्याज में इसके साथ इसको भूनेंगे तब ये जल्दी से जल जाएगी, इसलिए इसको हल्का सा हमें खुशबू आने तक ही भूनना है। फिर इसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज हमें 3 से 4 मीडियम साइज के जो प्याज होते हैं ना, ये 3 से 4 प्याज बड़े वाले जो मीडियम साइज के होते हैं, छोटे वाले नहीं, मीडियम साइज के प्याज पतले पतले काट के हमें इसमें डाल देना है। पतले काटना है जिससे कि जल्दी से फ्राई हो जाए। और बस जैसे ही फ्राई होता है तो हमें आगे की प्रोसेस करना है। ये बढ़िया से हल्का सा गोल्डन फ्राई हो चुका है और आप इसे इसी तरह रहने देते हैं। ऊपर से डाल देते हैं 1 चम्मच खसखस दाना। खसखस दाना पॉपी सीड्स या फिर आप जिसे पोस्ता दाना भी कहते हैं। और इसे भी हल्का सा भूनना है, फ्लेम को इस समय लो रखना है नहीं तो खसखस दाना चल जाएगा। और अच्छे से इसे हल्के हाथों से भून लेना है। ये भून जाएगा तो इसमें बॉईल किए हुए जो कटहल हमने रखा है कटहल वो इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे भी प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। हमने कटहल को अलग से फ्राई नहीं किया क्योंकि क्या होता है उसमें बहुत ज़्यादा तेल हो जाता है सब्जी में, ज़्यादा फ्राई भी हो जाता है और फिर ऊपर से सब्जी में फ्राई करते हैं तो तेल ज़्यादा हो जाता है, सब्जी का जो टेस्ट है वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए प्याज के साथ ही हमें कटहल को इस तरह से फ्राई करना है और बढ़िया सा ढककर थोड़ी देर फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो चुका है, देखिए कितना बढ़िया फ्राई हो गया है। और हमें हल्के हाथों से ही चलाना है, नहीं अगर ज़्यादा हम तेज हाथ मतलब
जोर से चलाएंगे तो वो बिल्कुल मैश हो जाएगा। उसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और फिर उसमें हमें डाल देना है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच डाल देंगे कलर वाली मिर्च इसमें, जो आधा चम्मच ही डालना है, ज्यादा नहीं डालना है, और ये आधा चम्मच डाल दी हमने कलर वाली मिर्च, और एक चौथाई चम्मच डाल देंगे तीखी वाली मिर्च, चटपटी वाली मिर्च होती है वो डाल देंगे, ये एक चौथाई चम्मच ही डालना, ज्यादा नहीं डालना। आप खाना चाहे तीखी मिर्च तो डालें, नहीं तो ना डालें, और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, और आधा चम्मच डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला, और अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर देंगे। बढ़िया से चलाते हुए मिक्स करना, जिससे कि सारे मसाले कटहल पर अच्छी तरह से लग जाए। देखिए बढ़िया से इस तरीके से हमें चलाते जाना है, बढ़िया से मिक्स हो गया, बढ़िया से टेस्टी सब्जी दिखने लगी है। पूरी में अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है, हल्के हाथों से चलाना है और इसी तरीके से मिक्स कर देना है, और फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, समय नहीं तो मसाले जल जाएंगे। अब इसको इस तरीके से ढक देना है बढ़िया से, और एक से दो मिनट तक इसे पकने देना है, जिससे कि सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए बढ़िया से। और फिर इसके बाद हमें करना क्या है कि इसमें डाल देना है आधा कप पानी, थोड़ा सा आधा कप पानी करीब इसमें हमें डाल देना है, जिससे कि ये जो मसाले हैं बढ़िया से और अच्छी तरीके से कटहल पर लग जाए, और इसके साथ अच्छी तरह से ये पक जाए, और इनमें कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। फिर से हम इसे ढक देंगे, और इसके बाद इसे फिर से एक मिनट के लिए फिर से पकाएंगे, जिससे कि जो मसाले हैं बढ़िया से इसमें मिल जाएंगे, और इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। देखिए फिर से हम इसे ढक देंगे, इसे इस तरीके से ढक देना है बढ़िया से, ये ऐसे, और इसे फिर से पकने देना है, जिससे होगा ये कि सारे मसाले जब हैं पानी के साथ पक गए, फिर कटहल पे अच्छी तरह से लग जाएंगे, और सब्जी का स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा, और आसानी से हमारी ये टेस्टी सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए बढ़िया सी सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जिससे कि इसमें बढ़िया सी खुशबू आने लगेगी, और बढ़िया सी हमारी सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। ये हमने बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें डाल दिया है, बढ़िया से इसे एक बार हम और मिक्स कर देंगे, पूरा धनिया को इसमें मिक्स कर देना है, जिससे कि पूरी सब्जी में धनिया की खुशबू आने लगे, और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके हमारी तैयार हो गई है। और अब इसके बाद हमें करना क्या है, इसे हल्का से इसी तरह से चला दें पूरा, जिससे कि अच्छी तरह से इसमें पूरी चीज़ें मिक्स हो जाए। सब्जी हमारी कटहल की बिल्कुल बनके तैयार है, अब आइए इसे हम सर्व करते हैं, बढ़िया से हम इसे सर्व कर देंगे। इस प्लेट में हमें कटहल की जो सब्जी है उसे सर्व कर देना है। फ्रेंड्स ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे, क्योंकि जितनी दिखने में टेस्टी है खाने में भी उतनी टेस्टी है, और बनने में उतनी आसान है। आप इसे अपने घर पे जरूर ट्राई करें, जो भी इसे खाएगा वो जरूर एक बार जरूर पूछेगा कि आपने इसे कैसे बनाई। तो है ना कटहल की सब्जी बनाना बहुत ही आसान। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और मेरी रेसिपी को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।